नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में प्रगति और उन्नति लाएंगे। उन्हीं उपायों को सही विधि विधान से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। आर्द्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनी चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातकेतु महावा। इस प्रकार से महानता होती है व्यक्ति की नहीं, परिस्थिति की होती है। और परिस्थिति कैसे बनती है? परिस्थिति बनती है कालखंड, टाइम। और इसी को जब देखते हैं तो शुभ या अशुभ मुहूर्त के बारे में भी चर्चा होती है। यानी कोई काम यदि शुभ मुहूर्त में करते हैं तो देखा जाता है उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। अनुभव की जो ज्योतिष होती है, अनुभव के आधार पर लोग जो बताते हैं उसके हिसाब से देखा गया है उसका प्रभाव अच्छा मिलता है। और अगर अशुभ योग इत्यादि होते हैं तो विशेष किसी प्रकार की जो ऊर्जा देखी गई है उस प्रकार की ऊर्जा में कमी आती है। अगर मांगलिक कार्यों के लिए देखें तो रवि योग, या सर्वार्थ सिद्धि के लिए भी देखें तो रवि योग ऐसे हैं जो सूर्य का अभीष्ट प्राप्त होने से प्रभावशाली माना जाता है। इससे रवि योग का जो प्रभाव होता है अनिष्ट की आशंका को नष्ट करके शुभता का वरदान देने वाला ये रवि योग होता है। किसी कुंडली में अगर दुष्प्रभाव है तो सूर्य से संबंधित, तो रवि योग वाले दिन अगर सूर्य से संबंधित दुष्प्रभाव है कुंडली में तो रवि योग देख लें, आपको उस दिन सूर्य से संबंधित दुष्प्रभावों को दूर करने का उपाय करना चाहिए। सूर्य का विधि विधान से पूजा करें तो कुंडली में सूर्य के नेगेटिविटी दूर होती है। शुभ योग या संयोग इत्यादि देख के ही आपको करना चाहिए सब कार्य। सूर्य जिस नक्षत्र में हो तो वर्तमान नक्षत्र, छठा नक्षत्र, जैसे सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है तो छठा नक्षत्र देख लीजिए, नवां देख लीजिए, दसवां देख लीजिए, तेरहवां और बीसवां, ये सारे नक्षत्र अगर होते हैं तो ये नक्षत्र रवि योग में देखे जाते हैं। चंद्रमा हो अगर नक्षत्र पे, रवि योग समस्त दोषों को भी नष्ट करता है। उक्त नक्षत्रों में अगर रविवार आ जाए तो ये पूर्णतया रवि योग बन जाता है। ये इतना बलवान होता है कि इस दिन कोई भी अगर अशुभ शक्ति होती है वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती है। अगर आप कोई इस प्रकार से अहम काम करना चाहते हैं, विशेष कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिस दिन रवि योग होता है उस दिन रवि योग सूर्य देव पापों का नष्टीकरण करते हैं। सर्व पाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्य हम। इस प्रकार से अगर गाय की आप सेवा करते हैं तो वो नक्षत्र भी जो अगर पड़ रहा है, जो आपको बताए गए नक्षत्र हैं, वो नक्षत्र भी प्रसन्न होते हैं आगे आने वाले समय के लिए। गाय की पूजा या गाय को कुछ भीगा हुआ गेहूं इत्यादि, चना इत्यादि खिलाने से भी इसका अच्छा रहता है। पवित्र ऊर्जा जो होती है, जब भी पवित्र ऊर्जा होती है, पॉजिटिव जिसको एनर्जी बोलते हैं, वो हम अगर एकत्र करेंगे तो सीधी सी बात है अंधकार दूर होगा, नेगेटिविटी दूर होगी। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, आज लोगों की जरूरत को पूरा करना आपके प्रोग्राम में होना चाहिए, यानी कि आज के डेली टाइम टेबल में आय के स्रोत आपके जरूर बढ़ेंगे। थोड़ा सा निर्णय लेने में सूझबूझ का परिचय दीजिएगा, आज आपका टेस्ट भी हो सकता है। सगे संबंधियों से किसी बात को मन मुटाव हो सकता है। क्या करना है? सफेद वस्तु का आज आपको दान करना है। शुभ अंक 5, शुभ रंग आपके लिए आसमानी। वृषभ राशि की बात करें, कोई कार्य का दबाव आपको परेशान कर सकता है, अधिकारियों की तरफ से कोई खिलाफ भी जा सकता है। कार्य क्षेत्र, सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। हाँ, कुंवारे हैं तो जरूर आपके लिए परिणय संबंध इत्यादि आ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना उचित है। पीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 4। मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके सामने आ सकती है। थोड़ा सा अभक्ष भक्षण और नशे के सेवन से आपको बचना चाहिए। लत इत्यादि है तो छोड़ने का प्रयास करें, पर किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकता है। विवादित मुद्दों पर बहस करने से बचें। शिवलिंग पर आपको दुग्ध चढ़ाना चाहिए, आपको लाभ होगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग ऑरेंज। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, शादीशुदा दंपति सावधान रहें।
कुछ विवाद हो सकता है, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी विवाद हो सकता है, लेकिन नए प्रोजेक्ट नए प्रपोजल के लिए अच्छा है, सरप्राइज आपको ज़रूर प्राप्त हो सकता है। मानसिक शांति के लिए शिव जी को आप जल अर्पित करेंगे, गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, आपको ज़रूर लाभ होगा। शुभ अंक 3 शुभ रंग हरा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के। सिंह राशि वालों कोई आकर्षित हो सकता है, प्रपोजल मिल सकता है आपको, फैसला लेकिन थोड़ा सा रुक के करना चाहिए, सारे प्लस माइनस देख के आपको फैसला करना चाहिए। प्रेम संबंधों में तीसरे की राय बिल्कुल ना आप माने तो अच्छा है, परिवार के साथ आप घूमने जा सकते हैं, आपको आमोद प्रमोद का मिलेगा लाभ, चींटियों को आटा डालें, पीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 9। कन्या राशि वालों, ससुराल पक्ष से धन लाभ प्रतिष्ठा लाभ हो सकता है, परिवार के साथ धार्मिक स्थल भी जा सकते हैं आप, कार्य क्षेत्र में आपको मिलती हुई सफलता अच्छी दिख रही है, कोई गुड न्यूज़ भी ऑफिस से आपको मिल सकती है, हनुमान जी को सिंदूर आप भेंट करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। शुभ अंक 6 शुभ रंग आज आपके लिए है येलो यानी पीला। आज की राशि का प्रभाव तुला राशि वालों का आज शुभता की तरफ जा रहा है, लंबे समय से चले आ रही परेशानियां आपकी दूर होंगी, भविष्य को लेकर बनाई गई योजना आपकी सार्थक होगी, कोई अहम फैसला आप ले सकते हैं, पीली वस्तु का आपको दान करना अच्छा रहेगा। शुभ रंग सफ़ेद शुभ अंक आज आपके लिए है मीन का। वृश्चिक राशि वालों, मन में आपके किसी बात को लेकर खुशी रहेगी, आ सकती है कोई आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, संतुलित दिनचर्या को अपनाने का आप करें प्रयास तो आपको लाभ होगा, पिता के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण की आप पूजन करेंगे आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। शुभ अंक 4 शुभ रंग आसमानी। शैक्षिक कार्य लोगों को काउंसलिंग इत्यादि सुखद परिणाम देंगे, जो आप बात बोलेंगे लोग उसको मान जाएंगे, अपने लोगों का मनोबल आपको बढ़ाना पड़ेगा, कोई दिखावे में आके कार्य ना करिए, आर्थिक स्थिति में आपको अच्छा सुधार होता हुआ देखा जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा, 3 बार करें जरूर लाभ होगा। 9 का अंक लाल रंग आज आपके लिए शुभ है। मगर राशि वालों, कला संगीत के प्रति रुझान आपका बढ़ सकता है, जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा की योजना आप बना सकते हैं, महत्वपूर्ण कार्य आज आपके पूरे होते हुए देखे जा रहे हैं, विशेष रूप से प्रेमिका या प्रणय से संबंधित उज्जवल भविष्य में सहायिका हो सकती है, सूर्य देवता को जल अर्पित करें, रक्त चंदन लाल चंदन डाल के, शुभ अंक 8 शुभ रंग केसरिया। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। जीवन साथी के स्वास्थ्य का रखें आप ध्यान, विशेष रूप से मेल जोल अपनों से आप बढ़ाएं, शुरुआत दिन की अच्छी खबरों से हो सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकती है, वरिष्ठ सहकर्मियों और कर्मचारियों का ध्यान आप आकर्षित कर सकते हैं, गौ माता को हरा चारा खिलाएं लाभ होगा। शुभ अंक 5 शुभ रंग सफ़ेद। मीन राशि वालों, व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, शरीर और मन से आप प्रसन्न और प्रफुल्लित रह सकते हैं, बिजनेस में आपको नया एग्रीमेंट प्राप्त हो सकता है, नौकरी में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी, माता लक्ष्मी की आप पूजन करेंगे आपको ज़रूर लाभ होगा। शुभ अंक 1 शुभ रंग फिरोजे। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 25 नवंबर 2022 द्वितीय तिथि का मान लगाए ज्येष्ठा नक्षत्र शुक्रवार का दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष। शुभ समय 11:46 से 12:28 तक स्थिर, राहु काल 10:48 से 12:07 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरु जी को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 800-4036-524 पर, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं, और साथ ही गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार, नमस्कार।